घोड़े पर बैठा दुल्हा बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते बाराती, ऐसा नज़ारा तो आपने लगभग हर शादी में देखा ही होगा। लेकिन शायद ही आप कभी ऐसी शादी में गए होंगे जहां दुल्हा दुल्हन मेंढक और मेंढकी बने हों। जी हां, ये सच है। हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक वाराणसी में अनोखी शादी देखने को मिली। इस शादी के लिए विवाह मंडप तैयार किया गया और वर कन्या के रूप में मेंढक और मेंढकी को सात फेरे लेकर बंधन में बांधकर भगवान इंद्र को प्रसन्न करने की कामना की गई। लगभग एक घंटे से ज़्यादा चले इस विवाह के कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ढोल नगाड़ों की थाप पर लोगों ने जमकर डांस भी किया। ऐसा क्यों किया, आइए आपको ये भी बता देते हैं। इस समय पूरे देश में गर्मी से लोगों का हाल बुरा हुआ जा रहा है, तो वहीं धार्मिक नगरी काशी में भी गर्मी अपना तांडव मचाए हुए है, जिस वजह से तापमान 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। लिहाजा लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती हुई गर्मी से राहत पाने के लिए काशी में अनोखी शादी का आयोजन किया गया, जिसमें मेंढक और मेंढकी की विधि विधान से शादी कराई गई। पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि अगर बारिश करनी हो तो मेंढक मेंढकी की शादी करने पर इंद्र देवता खुश होकर बारिश करते हैं, जिस वजह से इस कड़ी गर्मी से राहत पाने के लिए काशीवासियों ने पहाड़िया स्थित श्रीनगर कॉलोनी में दिए बाबा मंदिर पर पूरे संस्कार के साथ मेंढक और मेंढकी की शादी कर इंद्र देवता को प्रसन्न करने की प्रार्थना की। हम पहाड़िया डी बाबा के मंदिर में हैं, हनुमान जी के प्रांगण में बैठे हुए हैं। यहाँ मेंढक और मेंढकी की शादी हो रही है ताकि मेघराज प्रसन्न हो सके और जल धरती को थोड़ा ठंडा कर सके। इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। इस स्थान पर हमारे सेवा दल के तरफ से हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं सत्यम कुमार जायसवाल जी, उनके अंतर्गत इस विवाह का हम लोगों ने आयोजन किया है, क्योंकि इसमें गर्मी जो है 48-49 डिग्री पड़ रही है और बारिश होने की कोई संभावना काशी में नहीं है। काशी और समस्त क्षेत्रों में बारिश हो, इसके उपलक्ष्य में हमने मेघराज को प्रसन्न करने के लिए मेढकी और मेढका का विवाह कराया है और विधि विधान से जिस प्रकार पुराणों में संपन्न कराया जाता है कि इंद्रदेव प्रसन्न हो और काशी में बारिश हो। सर, हम लोग काशीवासी जितने भी हैं गर्मी से बेहद परेशान हैं। पूरे भारतवर्ष में पारा लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है और मानसून अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम लोग शास्त्रों के अनुसार मेढक और मेढकी की शादी कराई जाती थी। पुराने ज़माने से ये प्रथा चली आ रही है, लेकिन अब नए जमाने में लोग नहीं करते हैं, लेकिन लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि अगर श्री हनुमान जी के समक्ष ये शादी कराई जा रही है तो हमारे हनुमान जी देखेंगे कि कैसे बारिश करानी है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आज इस शादी के बाद अवश्य बारिश होगी जल्द से जल्द।